नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित और आप सबका रोहित क्लासेस सपना में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीजीके की सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम जानेंगे जिला और संभाग के बारे में। फर्स्ट क्लास में एमपी के बारे में थोड़ी बहुत जाने थे, गठन वठन, तो शुरू करते हैं। तो एमपी में अपने संभाग कितने हैं? 10। 10 संभाग हैं। जिले? 52 हैं। तो हम संभाग पढ़ते हैं और संभाग में जितने जिले होंगे सब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? संभाग लेके चलते हैं। सबसे पहला क्या लेंगे? जबलपुर संभाग। अब देखेंगे जबलपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट जबलपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, लिखिए जबलपुर, नरसिंहपुर, शिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, कटनी, डिंडोरी, कौन कौन से जिले आते हैं? जबलपुर संभाग हो गया और उसके अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, शिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, कटनी, डिंडोरी और बालाघाट। अब हम जबलपुर उठाएंगे और जबलपुर के बारे में जानेंगे। जबलपुर संभाग में कौन सा जिला पड़ेंगे? जिला जबलपुर। ठीक, इसमें जान लीजिए सबसे पहले जबलपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं। NH-12, NH-12A, NH-30 और NH-45 क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। ये है NH-30
30, ये NH45 और ये है NH12 और ये है NH12A। ठीक है, ग्राफ में पहले बना लिया था टाइम बचाने के लिए। यहां है मझौली, कुंदम, सीहोर, शाहपुरा, लिखिए। पाटन, पानगर, बना लीजिए भाई। हाँ, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। जो मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाया, हाँ, अगला जानेंगे कि नदियां कितनी या कौन कौन सी हैं। जबलपुर से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा और केन। अगला पॉइंट पढ़ेंगे खनिज क्या क्या निकालता है। मार्बल, फेल्सपार, लोहा। ये जबलपुर में सब निकलता है। अगला लिखिए जबलपुर का पुराना क्या था। त्रिपुरी, त्रिपुरी कब था? जब हय्यई वंश। जब है यही वंश का राज्य
अरे त्रिपुर, त्रिपुरी नाम कैसे पड़ा? यहाँ त्रिपुर सुंदर माँ, सुंदर देवी माँ का मंदिर था। त्रिपुर सुंदर देवी माँ का मंदिर था, इसलिए इसका नाम त्रिपुरी था। फिर जबलपुर कैसे पड़ा? लिखिए, यहां जवाली नामक, नहीं ऐसा लिखिए, जवाली नामक ऋषि मुनि के नाम पर इसका नाम जवालीपुरम पड़ा। किसके नाम के कारण? ऋषि मुनि, जवाली नामक ऋषि मुनि थे, उनके नाम के कारण इसका नाम जवालीपुरम पड़ा। फिर बाद में इसे जबलपुर नाम से जाना गया। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जबलपुर को अगला पॉइंट लिखिए। जबलपुर को महाकौशल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर को और क्या कहते हैं? महाकौशल प्रांत।